आज मैं आपके लिए ग्वारफली की सब्जी की एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, टेस्टी होती है और टिफ़िन बॉक्स में सुबह की जल्दी में 10 मिनट में कैसे बनाएं, आज वह रेसिपी देखेंगे। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो गवारफली ले ली थी। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ पानी से 3-4 बार वॉश कर लिया, उसके बाद किचन टॉवल पे इसे सुखा दिया है। अब हमें इसे कट करना है। तो सबसे पहले जो इसका हेड और टेल है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का पार्ट, उसे हम कट कर लेंगे। और उसके बाद चाकू की हेल्प से इस तरह से 4-5 ग्वारफली लेंगे इक्वल इक्वल साइज़ की और उन्हें काटेंगे। आप वैसे चाहें तो कैंची से भी इसे काट सकते हैं। हमने यहाँ पर सभी को काट कर बढ़िया से तैयार कर लिया है। और चलिए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर कुकर में ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर कुकर में ले लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और लहसुन की 7 से 8 कलियों को हल्का सा मैंने मैश कर लिया था, वो भी अब हमने इसमें डाल दिया। जीरा और लहसुन के भुनने का वेट करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भुन जाएंगी, बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें डालेंगे 1 प्याज। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का 1 प्याज लिया था। अगर आप छोटे वाले प्याज ले रहे हैं तो 2 ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर प्याज को भुनेंगे। ये जो गवार फली की सब्ज़ी होती है ना दोस्तों, हमें इसमें प्याज का जो कलर है ना, चेंज नहीं करना होता है। सिर्फ इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ सके सब्ज़ी में। अब देखिए, 2-3 मिनट मैंने प्याज को कुक किया तो प्याज का कलर है जो ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, बढ़िया सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर, बड़े साइज़ का टमाटर था तो 1 ही डाल दिया मैंने, और साथ ही 1 हरी मिर्च डाली है इस तरह से पतले लंबे टुकड़ों में काट कर। 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं दोस्तों, कच्चे आलू का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम वो भी इसमें डाल देंगे। बढ़िया से आलू को भी आप धो लीजिएगा, उसके बाद हम इसमें आलू भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर प्याज हैं वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इनमें आ सके। अब जैसे ही हमने टमाटर डाले हैं तो अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो नमक स्वाद अनुसार, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये बेसिक ही 3-4 सूखे मसाले इस रेसिपी में फ़िलहाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सूखे मसालों के साथ सभी को अच्छी तरह से भुनेंगे। इस स्टेज पर दोस्तों मैंने 1-2 मिनट के लिए बढ़िया से इसे भून लिया। फिर हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और किसी भी प्लेट से हम इसे कवर कर देंगे। 4-5 मिनट धीमी आंच पर इसे पकने देंगे, ताकि जितने भी हमारे टमाटर प्याज आलू हैं वो बढ़िया से भुन जाए, उनमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। कुकर में से तेल भी अलग हो रहा है कॉर्नर में से, जो कि बहुत परफेक्ट साइन है कि हमारी सब्जियां भुनी जा चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे गवार फली जो हमने सबसे पहले रेडी करके रखी थी। दोस्तों ये ऐसी सब्जी है ना, बच्चे तो खाना पसंद नहीं करते, इसीलिए हम इसमें आलू डालते हैं, ताकि आलू के साथ वो इस सब्जी को भी खाएं। ये सब्जी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो बच्चों को खिलाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। आप इस सब्जी में आलू का फ्लेवर लाएंगे ना तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। अब गवार फली डालने के बाद भी हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से भुनेंगे। दोस्तों हम इसे कुकर में बना रहे हैं, पर फिर भी हम इसमें पानी नहीं डालते, क्योंकि हमने इसमें टमाटर प्याज आलू इन सभी का इस्तेमाल किया है। ग्वार फली में भी मॉइस्चर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर सिर्फ 1 विसल आने देंगे। उसके बाद जब कुकर हमारा बढ़िया से ठंडा हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा रही हूँ हमारी सब्जी कितनी परफेक्ट पक चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन किया फिर से, और अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा मैश। ये जो आलू होते हैं ना, हल्के हल्के मैश करते हैं ना, तो मसालों के फ्लेवर के साथ रच जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो इस तरह से आप सब्जी को थोड़ा सा मैश ज़रूर कीजिएगा, इससे फ्लेवर सच में बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हल्का सा मैश करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ आज हमने ये सब्जी बनाई है। बस ये मसाले डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सुबह की जल्दी में आप इसे टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसानी से भी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहेगी।
तो अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी सब्जी बनने के बाद कितनी टेम्पटिंग लग रही है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा।